सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग और गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के हो रहे हैं 4 और जस्ट मैं पहुंचा हूं और अभी ट्रेन लगी हुई है, जस्ट निकल के मैं बाहर आ रहा हूं और सामान जो है मेरा यहां पे है और यह सामान लेके मैं बाहर निकलूंगा। जो ड्राइवर है वो फ़ोन किया था, वो आ रहा है, आधे घंटे में पहुँचेगा। तो मैं यहाँ से अभी बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के टाइम तो बाहर निकलने में भी हमको लगेगा 15-20 मिनट, तब तक वो पहुँच जाएगा। सामान लेते हैं और सामान लेके निकलते हैं बाहर, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और थोड़ा और अभी बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है बाहर में, एकदम बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि 4 बज रहे हैं सुबह के। सो चलो देखते हैं, बाहर जाएंगे पार्किंग एरिया में और वेट करेंगे और फ़ोन करेंगे उसको, कब तक आता है। फ़ोन किया था, बोल रहे हैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, सो आधे घंटे में पहुँच ही जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे भी 10-15 मिनट लगेगा ये बाहर निकलने में, और अंधेरा है तो कहीं देखते हैं, कहीं वेट करेंगे बाहर जाके। और देखो गाड़ी लगी हुई है, ये थी मेरी बॉगी, इसमें था मैं, ये है मेरा सामान और सामान मैं बाहर लेके आ गया हूँ और ये काफ़ी हेवी है तो अभी बाहर लेके भी जाना है। ये था मेरा ट्रेन जो कि लगी हुई है अभी, और मैं इस बॉगी में था, नहीं उस वाले बॉगी में था, और अभी जाना है मुझे उस पर। देख सकते हो कितना अंधेरा है, बिल्कुल भी अंधेरा है, और अभी जाना है उधर, वहाँ से एक ब्रिज है, ब्रिज से बाहर निकलूँगा मैं, उस साइड जाना है। सो चलो चलते हैं, सामान लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। सो मैंने सामान वगैरह अपना ले लिया है और सामान लेके जा रहा हूँ बाहर, और सुबह से बहुत थोड़ा ठंड भी लग रहा है, पता नहीं घर पे आने के बाद सुबह सुबह यहाँ पे काफ़ी मौसम मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब ठंडी चालू हो गया लग रहा है। सुबह के 4 बजे हैं तो मैं हाफ बाजू का जस्ट टी शर्ट पहना हूँ, बट उतना भी ठंड नहीं है, मैं जा सकता हूँ। सो चलो चलते हैं, देखते हैं आगे। ये देखो सुबह का नज़ारा, सुबह से वो लोग सोए हुए हैं और ट्रेन जो है लगी हुई है अभी अभी, ये लास्ट था इसका, पाटलिपुत्र स्टेशन जो है इसका लास्ट था। अभी यहाँ से ये कहीं जाने वाली नहीं है, तो ये अभी यहाँ से वापस जाएगी या किधर जाएगी पता नहीं, बट ये लास्ट था और मैं उतरा हूँ बिल्कुल लास्ट में। सब लोग जा रहे हैं, देखते हैं इस ब्रिज से नहीं तो आगे वाले ब्रिज से जाएंगे, पहले देखेंगे अगर एस्केलेटर रहेगा ना, एस्केलेटर या लिफ्ट रहेगा तो उससे जाएंगे, नहीं तो इससे ही जाना पड़ेगा, इससे ही जाना पड़ेगा। सीधी है, एस्केलेटर तो दिखाई नहीं दिया, कहीं होगा तो कहीं दूसरी जगह पे होगा, बट यहाँ पे एस्केलेटर नहीं है। और जाना है मुझे किधर, उधर जाना है, ड्राइवर ने बोला मैं पार्किंग में रहूँगा, आप वहाँ पे आ जाना, तो शायद उधर मिलेगा हमको। और अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। सो गाइस, फाइनली हमको एस्केलेटर मिल गया और एस्केलेटर चालू है, मुझे लगा बंद होगा बट चालू है। तो हमको एस्केलेटर मिल गया, मुझे लगा कि चालू नहीं है, बंद है, बट चालू है ये, नहीं तो मुझे जाना पड़ता उससे सीढ़ी से उतर के। मैं अभी थक गया क्योंकि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा है अभी भी, एस्केलेटर मिल गया अच्छा हुआ, और अभी अंधेरा है तो मुझे कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा और अंधेरे में। सो मैं आ गया अभी बाहर, मैं बाहर आ गया और बाहर ही कहीं देखता हूँ जगह, वेट करता हूँ, आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ सुबह सुबह का। सुबह के 4 बज रहे हैं और पटना का सुबह सुबह का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सुहाना मौसम है, मतलब ना ठंडी है ना गर्मी, एकदम सुहाना मौसम है। अभी देखते हैं, वेट करेंगे यार, वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं क्योंकि अंधेरा भी है और ड्राइवर अभी तक आया नहीं है। एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, ड्राइवर मेरे घर का नहीं, मेरा पर्सनल ड्राइवर नहीं है, मेरा पर्सनल गाड़ी भी नहीं है, मेरे जो जीजा जी हैं उनका है, तो वो भेज रहे हैं, तो मैं उससे जाने वाला हूँ। आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा, सुबह के बज रहे हैं 4 और 4 बजे का नज़ारा देखो पटना का, सुबह सुबह का नज़ारा। ये पूरा जो पार्किंग एरिया है, ऑटो लगा हुआ है और जो मेन रोड है वो है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर वेट करूँ, इधर ही बैठने का एक जगह है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पर वेट करूँ, तब तक वो ड्राइवर आएगा, फ़ोन करेगा, फिर बोलेगा जहाँ पे वहाँ पे जाऊँगा, तो मैं इधर ही कहीं वेट करता हूँ।
ये जगह सही है बैठने का भी, ये जगह है और थोड़ा सा यहाँ पे लाइट भी है, तो इधर ही वेट कर लेता हूँ। ये जगह सही है। इसको रख देता हूँ, ये जो बड़ा वाला है यही काफ़ी हैवी है, तो मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे रख दिया और यहीं पे बैठने का थोड़ा जगह है तो यहाँ बैठ जाता हूँ। देखते हैं कब तक आता है ड्राइवर। ड्राइवर से मेरी बात हो गई है वैसे। ड्राइवर से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है एक बार। उसने बोला मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, आप पार्किंग एरिया में आके वेट करो, फिर मैं आपको आके फ़ोन करता हूँ। मैं बोला ठीक है, तो मैं बाहर आके वेट कर रहा हूँ अभी। अब वो 20 मिनट के बाद आएगा, आधे घंटे के बाद आएगा पता नहीं है, बट इतना पता है कि रास्ते में है, आ रहा है। और टाइम अभी हो रहा है 4, एग्जैक्ट 4 बज रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट 4 बज रहा है और मेरी जो ड्राइवर से बात हुई थी वो 20 मिनट या 15 मिनट पहले हुई थी, तब बोला था मैं निकल रहा हूँ, तो शायद अभी रास्ते में होगा, अभी पहुँचेगा, देखते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेट करता हूँ यहाँ पे। अभी देखते हैं कि मैं उसको कैसे बताऊँगा कि जो मेरा स्पेसिफिक जगह है, जो मैं पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उसको कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको मालूम नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि गेट नंबर 1 लिखा है यहाँ पे, तो मैं उसको बोलूँगा कि गेट नंबर 1 के पास खड़ा हूँ, तो शायद वो आ सकता है, देखते हैं। नहीं तो फिर व्हाट्सएप पे जो करेंट लोकेशन है वो भेजना पड़ेगा, बट वो तो शायद ना कर पाएगा कि नहीं पता नहीं, बट मैं उसको बोल सकता हूँ गेट नंबर 1 के पास खड़ा हूँ, तो वहाँ पर वो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है, ये है गेट नंबर 1 और ये इसका लेटर है यहाँ पे, तो मैं बोलूँगा कि गेट नंबर 1 के पास खड़ा हूँ, तो वहाँ पे वो आ सकता है इजीली। नंबर 1 इसका लेटर से मैं आया और गेट नंबर 1 इधर है और गेट नंबर 2 कहीं और होगा, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं बोल दूँगा गेट नंबर 1 के पास खड़ा हूँ। हो रहा हमारा सामान। गाइस ड्राइवर अभी तक नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 15-20 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं, ड्राइवर नहीं आया और मैं फ़ोन भी नहीं किया अभी तक, दोबारा फ़ोन नहीं किया मैं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बोलूँगा कि मैं वेट कर रहा हूँ बाहर काफ़ी टाइम से, तो जल्दी जल्दी में चला के आएगा, इसके लिए मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आराम से ही आए बट पहुँच जाए, तो इसके लिए मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ। सो थोड़ा और वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आता है। सो गाइस मेरा जो गाड़ी है वो आ चुका है, ड्राइवर फ़ोन किया था जस्ट और वही पहुँच गया है, बट मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट कहाँ पे खड़ा हूँ, तो वो बोल रहा है कि मैं आगे निकल गया हूँ, अभी वो आएगा 2 मिनट में। मैं बोला 1 नंबर गेट के पास बाहर खड़ा हूँ, तो वो अभी आ रहा है, बोल रहा है मैं आ रहा हूँ, आ चुका है और अभी मैं सामान वामान जो है रख दिया और अभी बैठ के निकलता हूँ यहाँ से। करके जस्ट मैं अभी रेडी हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता करूँगा क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी है। मैं परसों का खाया हूँ, परसों रात को खाया था, मतलब प्रॉपर जो खाना होता है वो परसों रात को खाया था, उसके बाद से नहीं खाया, तो काफ़ी तेज़ भूख लगी है, तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ। और ये वाली जो कार है, इस कार से मैं आया, ये वाली गाड़ी है, और
सो चलो मिलते हैं, थोड़ा कुछ खा लेता हूँ उसके बाद में। सो गाइस मैं नाश्ता वास्ता करके रेडी हूँ और अभी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, क्योंकि काफ़ी तेज नींद आ रही है हमको, थक गया हूँ और सही से सोया नहीं रात को। सो ट्रेन में कैसी नींद आती है आपको पता ही है, तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, नाश्ता वास्ता कर लिया और अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।